रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा आज झज्जर विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया, अपने पति दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट की अपील की। ग्रामीण देखते ही रह गए जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा सादगी की मूर्त पूरे हरियाणा में कहा जाता है, उसी तरह से बड़े ही शांत स्वभाव की हैं श्वेता हुड्डा। उन्होंने ग्रामीणों का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, ग्रामीणों ने उन्हें तोलकर उनका सम्मान किया। ग्रामीणों का आभार जताते हुए श्वेता हुड्डा ने कहा, जो विकास कार्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं, क्या पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा पाई है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर श्वेता हुड्डा को आश्वासन दिया कि भारी बहुमत से दीपेंद्र हुड्डा को विजयी बनाएंगे। उसके बाद ग्रामीणों ने गदा भेंट कर उनको कहा कि ये गदा पूरे रोहतक लोकसभा से हरियाणा में चलेगी और विरोधी पस्त होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का आशीर्वाद रहा तो फिर से हरियाणा का चहुंमुखी विकास होगा। सरकार पलटेंगे और सरकार बजट वापस से हरियाणा को, पूरे प्रदेश को उस रास्ते चलाएंगे जहां हम चल चुके थे और जहां हमारी किस्मत है कि हम फिर से चले और ऊंचाइयों पे पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। भाई दीपेंद्र सिंह उठाओ, भाई दीपेंद्र सिंह उठाओ, जिंदाबाद दीपेंद्र सिंह उठाओ, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद अनगिनता भूकल, जिंदाबाद श्वेता उठाओ, जिंदाबाद। हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आज आदरणीय श्वेता हुड्डा जी हमारे बीच में आई हैं और उन्होंने आपसे वोटों की अपील की है, तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपको ये आश्वासन देते हैं, हमारा ये गांव बेटला सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए हुड्डा जी को भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। एक बार सभी माताएं बहने युवा साथी हाथ उठाकर इस बात का हाथ उठाकर हमारे सभी साथी हाथ उठाकर इस बात का आश्वासन और आशीर्वाद देने का काम करें कि भारी मतों से हम यहाँ से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम करेंगे। और आज यहाँ पर आप आए हैं, पहली बार आपने राजनीतिक तौर पर आने के बाद आप बिल्कुल लगन से अपना भूमिका करें और हम समझते हैं फिर आपको हम धन्यवादी गौरव में भी इसी प्रकार से यहाँ पर बुलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें पिताजी ने आपको बताई जो कि विकास से संबंधित बातें हैं और मैं यहाँ बैठ के ध्यान से सुन रही हूँ और जो चीज वो बता चुकी है उसके अलावा मैं एक अगर आपको अपना परिवार मानते हुए, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा अभी कि मैं ये इन्होंने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी है, कुछ ऐसा है नहीं, मैं आप जैसे कि एक साधारण अपने आप को मानती हूँ, मैं नेता नहीं हूँ पर हाँ एक जागरूक महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना हक समझती हूँ, सरकार से एक नागरिक की क्या पूर्तियाँ सरकार को करनी चाहिए भली भांति समझती हूँ और उस नाते से मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब आप अपना मतदान करें या जब आप सोच समझ कर अपना फैसला करें, अपने चुनित नेताओं को अपने अपना रिप्रेजेंटेशन करने भेजें, तो हमेशा जो पते की बात है उस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ना कि कभी आप सुनेंगे जाति पाति धर्म इधर उधर की बातों से जो आप लोगों को बैठाने की कोशिश करी जाती है। आप ये देखिए कि जो अभी भी अगर हम देखें आप पे अपन सब यहाँ बैठे हुए हैं परिवार के रूप में, गांव में जितने हमारे बच्चे हैं जो आज नाबालिग हैं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ये बालिग होंगे, इनकी स्कूल की पढ़ाई अगर पूरी है तो ये आगे कॉलेज में जाएंगे, जो कॉलेज में है वो आगे नौकरी लायक हो जाएंगे, भर्ती लायक हो जाएंगे। मैं अभी मिली हमारे ये खड़े यहाँ पे पहलवान भाई से, हम जो इतना हमारा एक जिसको कहना चाहिए गर्व से सीना चौड़ा होता है इस बात को कह के, जो पूरे संसार में हमारे पहलवानों की हमारे जो खेल है हरियाणा में जो हमारी एक प्रथा रही है, चाहे वो सेना हो चाहे वो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति, जो अगर हम किसान की बात करें, ये सारी चीजें वो हैं जो हमें गर्व दिलाती हैं अपने क्षेत्र पे और यही वो सारी चीजें हैं जो आप देख रहे होंगे मेरे से भांति भली भांति आप पहचानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से
सालों में किस तरीके से पिछड़ गई है चीजें, किस तरीके से विकास की बात करने की बजाय इधर उधर की फालतू की बातें होती है। याद रखिएगा, जिस दिन आपको अपनी पर्ची लेके किसी के पास में कोई परेशानी लेके जाना है तो आप वहां पे किसी एक आइडिया के बाहर नहीं बैठ सकते, प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर नहीं बैठ सकते, मंदिर के बाहर जाके नहीं बैठ सकते। आपको जाना है आपके जो नेता हैं, जिन जो आपके बीच में रहते हैं, जो आपके सांसद हैं, जो आपके विधायक हैं, अगर आप उनके पास अपनी समस्या लेके नहीं जा पाए तो वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें आप अपना चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पाते। इसीलिए आप पूरी सूझबूझ से अपना पूरा हक जताते हुए अपना समर्थन आने वाली 25 तारीख को दीपेंद्र जी को देकर उन्हें सक्षम बनाइए, अपनी ताकत उन्हें दीजिए ताकि वो आगे भी आपके लिए आपकी लड़ाइयां आपके हक आपको दिलाने में आपकी मदद कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए आज का दिन यादगार रहेगा। मैं जैसे कि गीता जी ने बताया, मैं नेतागिरी से दूर ही रहती हूँ, पर यहाँ पे आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ क्योंकि आपके बारे में अभी हम बात कर रहे थे आधे हुए। यहाँ की बहू हूँ मैं, यहाँ की बेटी हूँ मैं, आपकी बहन हूँ, किसी की चाची ताई भी हूँ जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अपनापन लगा। और इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दीपेंद्र जी का हमेशा मन रहता है, पूरी कोशिश रहती है आप ही के बीच में रहने की, पर समय की कुछ